हेलो फ्रेंड्स, मैं बीजय और हमारा यूट्यूब चैनल लर्न इजली वाईटी और आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट घर बैठे मोबाइल से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बिल्कुल ही छोटा होने वाला है, वीडियो को किसी भी प्रकार से स्किप ना करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही टेक रिलेटेड जेन्यून कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, फ्रेंड्स में भी अधिक से अधिक शेयर करें। तो आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमारे फोन में उपलब्ध क्रोम ब्राउजर ऐप को ओपन कर लेना है। जब हम इस ऐप को ओपन करते हैं तो हमें सर्च बार में कोविन का ऑफिशियल वेबसाइट सर्च करना है। अब दोस्तों, जब हम सर्च करते हैं तो हमें इस प्रकार का ये ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर शो होता है। दोस्तों, इस वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप ऐसा सर्च नहीं कर पा रहे हैं तो आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको जब इस प्रकार का यूजर इंटरफेस मिलता है तो आपको अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए इसी पेज को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। जब आप पूरी तरह से इस पेज को ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेते हैं तो अब आपको नीचे में डाउनलोड योर वैक्सीन सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो अब आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। दोस्तों, मोबाइल नंबर एंटर करने से पहले आपको ध्यान देना है कि आपने जो वैक्सीन लेने के टाइम में मोबाइल नंबर दिया था वो मोबाइल नंबर पूरी तरह से एक्टिव होना चाहिए ताकि आपके मोबाइल नंबर पर OTP आ सके। दोस्तों, अगर आपके मोबाइल नंबर पर OTP नहीं आता है तो आप वैक्सीन सर्टिफिकेट को ऑनलाइन मोबाइल से डाउनलोड नहीं कर सकते। अब दोस्तों, जब आप यहां पर अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देते हैं तो अब आपको यहां पर गेट OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आप गेट OTP के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो अब आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाता है। अब दोस्तों, आपको वो OTP यहां पर इंटर OTP के सेक्शन में इंटर कर देना है। OTP के लिए कुछ सेकेंड्स के लिए वेट करना है। अब दोस्तों, यहाँ पर OTP इंटर करने के बाद फाइनली आपको वेरीफाई एंड प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपका यहाँ पर वैक्सीनेशन डिटेल्स शो हो रहा है। अब दोस्तों, आपको वैक्सीन सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए थोड़ा सा इस पेज को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर शो सर्टिफिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो अब आपको कुछ सेकेंड्स के लिए वेट करना है और कुछ सेकेंड्स वेट करने के साथ ही आप यहां पर देख पा रहे हैं कि आपका सर्टिफिकेट सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। अब दोस्तों, आपको इसे अपने फाइल में सेव कर लेना है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस वीडियो में मैंने आपको लाइव प्रूफ के द्वारा दिखाया कि कैसे आप अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट बिल्कुल फ्री में घर बैठे मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप कि मैंने जो आपको जानकारी दी वो आपको काफ़ी पसंद आई तो लाइक करें, फ्रेंड्स में अधिक से अधिक शेयर करें। और हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही टेक रिलेटेड जेन्युइन कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो बस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।